everyone. In this video, we'll be studying about the trapezium. So let us see what is a trapezium. Trapezium भी एक तरीके का quadrilateral होता है, because ये चार line segment से बना होता है and ये closed figure होती है. तो जितनी भी figure four line segment से बनी होती है, वो closed होती है, वो सभी quadrilateral होती है. तो this is also a type of quadrilateral. So based on few properties, इसका नाम क्या हो गया? Trapezium हो गया. इसकी कुछ ऐसी खास properties हैं जिसकी वजह से इसका नाम trapezium पड़ा है. तो let us look forward towards the few important properties of trapezium. So before looking towards the properties of trapezium, let us see what type of a figure a trapezium है. तो हम पहले देख लेते हैं कि trapezium की किस तरीके की figure होती है. Trapezium is somewhat like this. ऐसा होता है. ये एक ट्रेपेजियम है. मैं चाहूं तो इसको ऐसे इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी. ये एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम की एक खास बात है, इसमें एक पेयर ऑफ साइड जरूर पैरेलल होगा. मीन जैसे यहाँ पे ए डी और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है. तो ए डी और बी सी क्या हो, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है. लेकिन ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल है नहीं. तो वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल. तो ऐसी फिगर जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, वो ट्रेपेजियम होता है. वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल. एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है. यहां पे कौन सी साइड पैरेलल है, ए डी जो है वो BC के पैरेलल है, और AB और DC जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है. अब बात आती है हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम की. ये जो है ये क्या होती है, ट्रेपेजियम की हाइट. ये होती है ट्रेपेजियम की हाइट. हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेस से. ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो टेढ़ी लाइन है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गई हमारी हाइट. जरूरी नहीं है ट्रेपेजियम की शेप ऐसी हो, ट्रेपेजियम की शेप कुछ ऐसी भी हो सकती है. इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है. ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है. यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है. और हाइट क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी. ये इसकी हाइट हो गई. ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको. ये क्या हो गया, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है. इसमें कौन सा पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गया, ये वाला जो पेयर है इस वाली ये वाली जो दोनों साइड्स हैं आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई हैं. ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया. इसमें हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट होगी. हम चाहे तो हाइट इधर बना लें चाहे इधर बना लें, ये डिस्टेंस इक्वल ही है. क्यों है ये डिस्टेंस इक्वल है, जो गैप है दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा इक्वल ही गैप होता है. तो हाइट हम चाहे यहाँ ले लें चाहे हम यहाँ पे ले लें, दिस इज वन एंड द सेम वैल्यू. ट्रेपेजियम इस टाइप से भी हो सकता है. इस टाइप से भी हो सकता है. तो यहाँ पे कौन सी साइड्स पैरेलल हो गई हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो गई है. और हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट हो गई. ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से भी हो सकता है कि मैं ऐसे बना लूं, यहाँ पे ये ऐसे ना करके मैं इसको सीधा बना दूं, इसको सीधा बना दूं. ये भी क्या हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी. ये भी क्या हो गया, ये भी एक ट्रेपेजियम हो गया. इसमें कौन सा पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है. और यहाँ पे हाइट अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी है. मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हाइट होती है क्योंकि ये दोनों लाइन यहाँ पे टेढ़ी होती थी तो हाइट तो दिखती नहीं थी. तो हाइट तो बिल्कुल सीधी लाइन होगी. तो यहाँ पे दिस लाइन इज ऑलरेडी स्ट्रेट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस. तो ये क्या हो गई, ये जो लाइन है ये हो गई हमारी हाइट. ये ही क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. तो ये था ट्रेपेजियम के बारे में. एक होता है ट्रेपेजियम में ही एक आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. नॉन पैरेलल कौन सी होती हैं, ये दोनों साइड्स तो क्या हो गई हैं, ये वाली और ये वाली साइड तो हो गई है पैरेलल. और ये जो ए बी और ये वाली जो सामने वाली साइड है ये क्या हो गई, नॉन पैरेलल. ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है.
तो जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए, तब जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो वो कौन सा ट्रेपेजियम हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। कैसे? हम यहां पे एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई है। मान लो ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ये तो क्या है? पैरेलल लाइंस है। लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली, इसका नाम रख देती हूँ मैं ए बी सी डी। नॉन पैरेलल साइड्स हो गई ए बी सी डी। मान लो ये 17 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 17 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन अगर ये 17 है और ये 16 है या 13 एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होती है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। मींस इन द फिगर, ये जो फिगर मैंने बनाई है, इसमें नॉन पैरेलल साइड्स कौन से? फिगर ए बी और डी सी क्या है? इक्वल है, जो कि क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये क्या हो गया? हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेपेजियम, इट्स प्रॉपर्टीज एंड द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। थैंक यू ऑल।